Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and good. Today I am going to discuss about DNA, the genetic material. This topic is again from the zoology book by Miller and Harley. ये जो टॉपिक है जोलॉजी बुक बाय मिलर एंड हार्ले उसके चैप्टर 3 द सेल डिवीजन एंड इनहेरिटेंस से लिया गया है। अगर यहाँ पे हम आउटलाइन देखें तो टॉपिक जो है डीएनए द जेनेटिक मटेरियल, उसके अंदर द डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकेरियोट्स, जीन्स इन एक्शन, चेंज इन डीएनए एंड क्रोमोसोम, ये जो है सारे पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं आउटलाइन में यूकेरियोटिक क्रोमोसोम से मियोसिस तक, वो पहले मैंने कवर अप किए हैं। आप उन लेक्चर वीडियो की जो लिंक हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं और वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। फर्स्टली इंट्रोडक्शन। 20th century biologists realized that a molecule that serves as the genetic material must have strain characteristics to explain the properties of life. 20th century में जो है 20th century जो थी उसमें biologists ने जो है वो molecule जो हैं as genetic material serve करते हैं, उनको जो है वो उनकी characteristics को, उनकी properties को जो है वो देखा था कि कैसे life की जो properties हैं उनको explain करती हैं। फर्स्टली जो था वो था दी जेनेटिक मटीरियल मस्ट बी एबल टू कोड फॉर दी सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स एंड कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, कि जो जेनेटिक मटीरियल है वो इस काबिल है कि वो कोई भी अमीनो एसिड का जो है वो सीक्वेंस है उसको इनकोड कर सके प्रोटीन्स में, और जो फिर बाद में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसको क्या करे, कंट्रोल कर सके। सेकेंडली था इट मस्ट बी एबल टू रेप्लीकेट इटसेल्फ प्रायर टू सेल डिवीजन, कि जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो उसमें इसका क्या एक था मॉलिक्यूल्स की फंक्शन के, वो क्या होते हैं, वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल डीएनए वो क्या है, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। थर्डली द जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स, कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो यूकेरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में होता है। फोर्थ इट मस्ट बी एबल टू चेंज ओवर टाइम टू अकाउंट फॉर एवोल्यूशनरी चेंजेस, कोई भी अगर टाइम इराज या जो एक पैसेजेस होते हैं जो है वो टाइम आगे से फर्दर जो है वो न्यू एराज आते हैं तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसने फर्दर जो है ट्रांसफ़र होना होता है, उसके अंदर एवोल्यूशनरी चेंजेस भी आती हैं, तो वो क्या होती हैं कि ये जो डीएनए है इसके अंदर क्या होता है, एबल होता है टू चेंज ओवर द टाइम। Only one molecule, DNA, deoxyribonucleic acid, fulfills all of these requirements. कि जो DNA है वो इन चार points को क्या करता है, fulfill करता है। Firstly, कि वो amino acid जो sequence है उसको protein के अंदर encode करता है, ठीक है, उसकी उसके अंदर एक चीज़ है और क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। सेकंडली क्या था कि अपने आप को रेप्लिकेट करता है। थर्डली क्या था कि ये जो है वो यूकेरियोटिक सेल्स जो हैं उनके न्यूक्लियस में होता है। और फोर्थली क्या है कि ये जो है वो ओवर द टाइम क्या होता है, चेंज हो जाता है, एवोल्यूशनरी चेंजेस आती हैं तो इसके अंदर वेरिएशंस आ जाती हैं, ये ओवर द टाइम क्या होता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें उसकी जो है हमारे पास बेसिस प्रेजेंट हैं, ठीक है, गुआनिन, साइटोसिन, एडिनिन, थायामीन, और उसके इस तरह जो है वो हेलिक्स की अपीयरेंस है, उसके अंदर हमारे पास है माइनर ग्रुप एंड मेजर ग्रुप, और उसके अंदर यहाँ पे क्या है, बेसिस जो हैं वो अरेंज्ड होती हैं। अगर हम साइज़ देखें, वन बेस जो है सीक्वेंस टू टू अदर बेस सीक्वेंस वो है 0.34 नैनोमीटर, अगर हम एक पूरे जो है ग्रूव की बात करें तो एक ग्रूव से दूसरे ग्रूव का जो डिस्टेंस बनता है वो है 3.4 नैनोमीटर। और यहाँ पे हमारे पास जो है बेसिस हैं वो है गुआनिन, साइटोसिन, एडिनिन एंड थायामीन, जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है उसके अंदर जो है वो ये फोर बेसिस इन्वॉल्व होती हैं जो कि डीएनए का स्ट्रक्चर बनाती हैं। यहाँ पे जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ जो है वो लिंक होती है 3 बॉन्ड के साथ, और जो थायामीन है वो एडिनिन के साथ 2 बॉन्ड के साथ जो है वो लिंक्ड होती है। यहाँ पे हमारे पास जो है फॉस्फेट जो है वो मॉलिक्यूल डीऑक्सीराइबोज जो है वो मौजूद होते हैं, और ये फर्दर जो एक क्या कम्बिनेशन हो के तो क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है।
नेक्स्ट आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स। यहाँ पे हमारे पास जो है बेसिस हैं और न्यूक्लियोटाइड है। फर्स्टली अगर हम देखें बेसिस तो हमारे पास हैं प्यूरीन, एडिनिन, गवानीन, पायरेमिडीन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। और इसके बाद अगर हम जो है वो न्यूक्लियोटाइड देखें तो वो हमारे पास डीऑक्सी एडिनोसिन 5-मोनोफॉस्फेट, इसके जो 5 कार्बन है वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। उसके बाद आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स। फर्स्टली द नाइट्रोजनस बेसिस इन डीएनए एंड आरएनए एंड सेकेंडली न्यूक्लियोटाइड, जिसमें क्या है नाइट्रोजनस बेस जो है वो 1 कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर एंड अटैचिंग ऑफ फॉस्फोरिक एसिड टू द 5 कार्बन ऑफ द शुगर। इसमें जो कार्बन्स हैं वो ऑफ द शुगर्स आर नंबर्ड विद द प्राइम्स टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द कार्बन्स ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस, कि उसके अंदर जो है वो कार्बन जो हैं वो नंबर्ड हुए होते हैं और वो आगे से फर्दर उनके साथ जो है वो जैसे फॉस्फेट ग्रुप हो गया या कोई भी अगर जो है मॉलिक्यूल अटैच होना है तो उन कार्बन के साथ जो है वो उसकी अटैचमेंट होती है, जस्ट बिकॉज कि उनका नंबरिंग हुई होती है और वो डिस्टिंग्विश हुए होते हैं और उनका जो क्या कहते हैं एक सेपरेट जो है वो नंबर के साथ उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई होती है। उसके बाद जो शुगर है डीएनए उसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, जो आरएनए है उसके अंदर होती है राइबोस शुगर, और अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करें तो राइबोस में तो वो बाद में क्या होता है रिप्लेस हो जाता है बाय दी हाइड्रोजन, कि जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल बना है तो वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है उनके आपस में फर्दर उनकी जो अगर एक बॉन्डिंग हो रही है किसी चीज़ के साथ तो वो रिलीज ऑफ वाटर और उसके बाद क्या होता है कि वो हाइड्रोजन जो है पीछे लिंक्ड हुआ रह जाता है। उसके बाद अगर हम दी डबल हेलिक्स मॉडल देखें तो उसमें क्या है 2 काइंड ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, और इसमें क्या होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर क्या है कि वो न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या करता है और न्यूक्लिक एसिड्स को क्या करते हैं उसके अंदर एक नेमिंग देते हैं। बोथ आर बेस्ड ऑन अ सिमिलर बिल्डिंग ब्लॉक द न्यूक्लियोटाइड गिविंग देम देयर नेम न्यूक्लिक एसिड्स। उसके बाद क्या है वन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स जैसे कि डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल व्हाइल दी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए इज प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियस एंड मूव टू द साइटोप्लाज्म। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल विच हेल्प इन द फर्दर एवोल्यूशनरी चेंजेस एंड इज पास टू द नेक्स्ट जनरेशन एज अ जेनेटिक मटेरियल, व्हाइल द राइबोन्यूक्लिक एसिड इज प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियस एसिड एंड इट मूव टूवर्ड द साइटोप्लाज्म एंड परफॉर्म इट्स फंक्शन। Where it participate in protein synthesis, DNA is genetic material while the RNA move to the cytoplasm and help in the protein synthesis. The study of how the information stored in DNA codes for RNA and protein is molecular genetics. अगर हमने कोई एक information लेनी है कि किस तरह जो है वो genetic material जो है वो उसके वो DNA sorry उसके अंदर information जो है code होती है stored होती है फॉर आर एन ए एंड प्रोटीन, तो वो क्या है इसको हम एक स्टडी को बोलेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। उसके बाद है डी एन ए एंड आर एन ए आर लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ द सब यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। कुछ डी एन ए है और आर एन ए इनके स्ट्रक्चर हम देखें तो उसके अंदर हमारे पास जो हमें जो है न्यूक्लियोटाइड जो है अपीयर होंगे, और न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ आर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक बेस आइदर इन द फॉर्म ऑफ डबल रिंग और अ सिंगल रिंग। कि अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें या आरएनए का स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड हमेशा होंगे, और जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर फर्दर क्या होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक बेसिस होती हैं कि जिनको हम नाम देख सकते हैं प्यूरीन डबल रिंग और पायरेमिडीन सिंगल रिंग। न्यूक्लियोटाइड्स आल्सो कंटेन अ पेंटोज 5 कार्बन शुगर एंड अ फॉस्फेट ग्रुप, कि हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोटाइड हो गए, उसके बाद हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या न्यूक्लियोटाइड था, न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस थी और उसके अंदर फर्दर क्या है 5 कार्बन शुगर एंड दी फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स हाउएवर डिफर इन सेवरल वेज, बोथ डीएनए एंड आरएनए कंटेन द प्यूरीन बेसिस एडिनिन एंड गवानीन एंड द पायरेमिडीन बेसिस साइटोसिन, के प्यूरीन बेसिस और पायरेमिडीन बेसिस जो हैं उनका उनके डिफ्रेंशिएट किया गया है कि डीएनए और आरएनए में। द सेकेंड पायरेमिडीन इन डीएनए हाउएवर इज थायमिन वेयर इट आरएनए इट्स यूरासिल। अगर हम डीएनए की स्ट्रक्चर लें तो डीएनए के अंदर क्या होगा एडिनिन गवानीन साइटोसिन एंड थायमिन, अगर हम आरएनए लें तो आरएनए के अंदर है एडिनिन गवानीन साइटोसिन एंड यूरासिल,
के जो डीएनए है उसके अंदर थायमीन होती है, और जो आरएनए उसके अंदर क्या होता है, यूरासिल जो है वो रिप्लेस हो जाती है थायमीन से, तो यूरासिल जो है उसके अंदर एडअप हो जाती है। उसके बाद देखें अरेंजमेंट ऑफ बेसिस, तो इसका अरेंजमेंट इस तरह है कुछ जैसे गवानीन, साइटोसिन, था एडिनिन एंड थायमीन। ये अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसके अंदर जो है वो गवानीन है वो साइटोसिन के साथ अटैच है थ्री बॉन्ड के साथ, और जो एडिनिन है वो था सॉरी गवानीन साइटोसिन के साथ अटैच है, और जो एडिनिन है वो थायमिन के साथ अटैच है। इसी तरह अगर हम स्ट्रक्चर लेंगे ना आरएनए का, तो आरएनए के अंदर क्या है, थायमिन की जगह क्या होगा, यूरासिल जो है वो लगी होती है, रिप्लेस हो जाती है थायमिन से। नेक्स्ट आ जाता है डीएनए रेप्लिकेशंस इन यूकेरियोट्स। रेप्लिकेशन जो है बिगिंस साइमल्टेनियसली एट मेनी इनिशिएशन साइट्स अलोंग द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। सिंथेसिस ऑफ डी स्ट्रैंड ए एंड बी इज कंटिन्यूज फ्रॉम द इनिशिएशन साइट, एंड दैट द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रैंड सी एंड डी इज कंटिन्यूज फ्रॉम द इनिशिएशन साइट, डिसकंटिन्यूज और कंटिन्यूज। स्ट्रैंड सी एंड डी आर प्रोड्यूस इन फ्रेगमेंट्स बिकॉज डी एन ए पोलीमरेज कैन ओनली प्रोड्यूस न्यू डी एन ए स्ट्रैंड इन दी 5 to 3 डायरेक्शन। अगर हम पहले इसका स्ट्रक्चर देख लें कि ये प्रोसेस कैसे है, तो ये हमारे पास जो है डी एन ए स्ट्रैंड है, फर्दर जो है वो यहाँ पे हेलिकेज इंजाइम है, और डी एन ए पोलीमरेज इंजाइम है। हेलिकेज जो है इसकी जो क्या कहते हैं स्ट्रैंड फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प आउट करता है, और इसमें क्या है इनिशिएशन हमारे पास साइट्स हैं, हमारे पास जो है वो स्ट्रैंड ए और देन स्ट्रैंड बी, ये 2 स्ट्रैंड्स हैं। ये जो है एक कंटिन्यूस जो है वो फॉर्म में एक डायरेक्शन में जो है मूव कर रहे हैं, और हमारे पास जो स्ट्रैंड सी एंड डी है ये क्लोजिंग और डिसकंटिन्यूस जो है वो डायरेक्शन में मूव करेंगे। और उसके बाद जो है हमारे पास जो है डीएनए पॉलीमरेज और हेलिकेज अगेन वहाँ पे अटैच होंगे, और इसकी फर्दर जो है वो नॉर्मल जो है एक पोजिशन है उसकी प्रोग्रेस है उसको कंटिन्यू करेंगे। हेलिकेज एंजाइम एड इन द अन ट्विस्टिंग ऑफ द डबल हेलिक्स। जो हमारे पास हेलिकेज एंजाइम लगा था ये जो ब्लू कलर में है, ये क्या है अनवाइंडिंग अन ट्विस्टिंग जो है डीएनए की हेलिक्स की जो है उसको उसमें हेल्प आउट करता है, और इसमें जो क्या करता है कि ये जब रेप्लिकेशन होनी है, और इसमें डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है वो डीएनए फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस करेगा ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इज बायो डायरेक्शनल फ्रॉम द इनिशिएशन साइट, डैश्ड एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ डीएनए एलोंगेशन, सॉलिड एरो इंडिकेट द बायो डायरेक्शनल प्रोग्रेस ऑफ द रेप्लिकेशन। कि ये जो डैश्ड एरो है ना ये एलोंगेशन जो है वो उसको हेल्प आउट क्या करते हैं एक इंडिकेट करते हैं, और जो ये दूसरे सॉलिड एरो हैं ये उसकी जो क्या कहते हैं एक डायरेक्शन को करेंगे कि एक क्लोजिंग है, एक बाय डायरेक्शनल है सॉरी एक क्या कहते हैं एक कंटिन्यूस है, और एक क्या है डिसकंटिन्यूस। जीन्स इन एक्शन। ए जीन कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डी एन ए डेट कोड फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड, एंड जीन्स मस्ट सम हो ट्रांसमिट देयर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म वेयर प्रोटीन सिंथेसिस अकर। कि जीन है वो क्या है, एक सीक्वेंस है बेसिस का डी एन ए के अंदर जो क्या करता है कोड करता है सिंथेसिस ऑफ द वन पॉलीपेप्टाइड, एंड जो एक उसकी कोडिंग को हेल्प आउट करेगा कि जीन है ठीक है कोडान है ठीक है, उसके अंदर आगे फर्दर क्या है बेसिस हैं, बेसिस आपस में अटैच हैं, एक सीक्वेंस है उनका, और वो आगे से एक जैसे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए के अंदर जो है वो हमारे पास बेसिस हैं, बेसिस जो है वो किसके अंदर एक क्रैप हुई होती हैं वो एक क्या है उसमें एक वो क्या सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे वो क्या होगा जीन होगा, कि वो सेंसिस करती है किसकी पॉलीपेप्टाइड की। एंड जीन्स मस्ट क्या करते हैं कि ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, और फिर प्रोटीन सिंथेसिस अकर होती है। द सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। हमारे पास जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल है, अगर डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। इसी तरह अगर आरएनए से फिर प्रोटीन अगर बनेगी तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। सिंथेसिस ऑफ RNA molecule from DNA is transcription, and the formation of the protein from the RNA at the ribosome is called translation. Three major kinds of the RNAs. Each of the three major kinds of RNA has a specific role in protein synthesis and is produced in the nucleus from DNA. Firstly, messenger RNA, transfer RNA, and ribosomal RNA. Messenger RNA is a linear strand that carries a set of genetic instruction for synthesizing protein to the cytoplasm. Messenger RNA एक क्या है कि messenger का काम करता है कि ये जो है genetic information instruction जो है उसको carry करता है और protein synthesis में क्या करता है
इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। ट्रांसफर आरएनए पिकअप, मैसेंजर आरएनए वो है किसके पास इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है। ट्रांसफर आरएनए वो है पिकअप अमीनो एसिड्स इन द साइटोप्लाज्म कैरी देम टू द कैरीज देम टू द राइबोसोम्स एंड हैज पोजीशन देम फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू अ पॉलीपेप्टाइड। कि अमीनो एसिड क्या है उसको पिक करेगा साइटोप्लाज्म में और क्या करेगा इसको राइबोसोम्स को लेगा और इसके फर्दर इनकॉर्पोरेशन जहाँ पे इसकी होनी है पॉलीपेप्टाइड में वहाँ तक लेके जाएगा। उसके बाद आ जाता है राइबोसोमल आरएनए अलोंग विद प्रोटीन्स मेकअप राइबोसोम्स। मैसेंजर आरएनए के उसके पास जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं। ट्रांसफर आरएनए के वो पिकअप करता है अमीनो एसिड्स को और फर्दर उनको क्या करता है ट्रांसफर करता है। और राइबोसोमल आरएनए क्या करते हैं राइबोसोम्स को बनाते हैं। द जेनेटिक कोड डीएनए मस्ट कोड, अगर हम फर्दर आप एक कोड कोड जो होता है एक सीक्वेंस है ठीक है डीएनए है उसके अंदर जो है एक कोड अमीनो एसिड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं वो आपस में लिंक्ड हुए होते हैं ठीक है। उसमें फर्दर हम देखते हैं कि डीएनए मस्ट कोड फॉर द 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेबिलिटी ऑफ डीएनए रिजाइड इन द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। जो नाइट्रोजनस बेसिस है ना हमारे पास ठीक है वो बेसिस कहाँ पे सीक्वेंस रही होती हैं फर्दर जीन्स, जैसे पीछे पढ़ा हमने देखा कि जीन्स है वो एक हम क्या कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस ऑफ बेसिस है उसके अंदर ठीक है। उसके अंदर क्या होती है डीएनए जो एक इंफॉर्मेशन है उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो क्या होती हैं रिसाइड हुई होती हैं। द जेनेटिक कोड इज़ अ सीक्वेंस ऑफ थ्री बेस और ट्रिपलेट कोड। The genetic code are as reflected in the messenger RNA that will be produced from DNA. Each three base combination is codon. जितनी भी हमारे पास थ्री बेस कम्बिनेशन हम लेंगे तो उसका हम क्या बोलेंगे कोडॉन। एंड मोर देन वन कोडॉन कैन स्पेसिफाई द सेम अमीनो एसिड बिकॉज देर आर 64 पॉसिबल कोडॉन बट ओनली 20 अमीनो एसिड्स। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोड इज रेफर टू एज डीजेनरेसी। अगर हम जेनेटिक कोड देखें इसको एक समराइज करें तो जो डीएनए है उसके अंदर जो है वो कोडान सॉरी मस्ट कोड करता है क्या करता है 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स को। और उसके अंदर जो डीएनए की जो एक इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेबिलिटी है ठीक है वो नाइट्रोजनस बेसिस जो है सीक्वेंस है उसके अंदर वो होती है। और जो जेनेटिक कोड है वो बेसिक क्या है एक सीक्वेंस है थ्री बेसिक ट्रिपलिक कोड का। और जो हमारे पास डीएनए का जो एक फॉर्म्ड होना है ठीक है प्रोड्यूस्ड होना है डीएनए से जेनेटिक कोड वो रिफ्लेक्ट होता है इन दी मैसेंजर आरएनए। और थ्री बेस कम्बिनेशन जो बनता है उसमें हम उसको कहते हैं कोडान। वैसे तो 64 पॉसिबल कोडान हैं लेकिन जो 20 अमीनो एसिड्स हैं वो स्पेसिफाई होते हैं जस्ट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ठीक हो गया। और उसके बाद क्या कहते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कोड की वो क्या कहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे डीजेनरेसी। कि जो कोड है एक कोडान है या कोड है जेनेटिक उसको हम उसका एक फंक्शन क्या होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी डीजेनरेसी। जेनेटिक कोड अगर हमारे पास है हमारे पास फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन जो है वो ये कोडान जो है कोड एक सीक्वेंस है जैसे कि हमारा पहला है यूरासिल साइटोसिन एडिनिन गवानिन यूरासिल साइटोसिन एडिनिन गवानिन। और उसके बाद वो आपस में क्या है मिलके एक सीक्वेंस बनाते हैं टू बेसिस थ्री बेसिस सीक्वेंस फोर बेसिस ये दिस इज़ द थ्री बेस दिस इज़ फोर दिस इज़ टू। और इस तरह ये क्या कहते हैं इनका एक सीक्वेंस बनता है। जैसे कि फर्स्टली अगर हम देखें तो ये है यहाँ पे हम देखें ए एल ए एलानिन तो इसका जो सीक्वेंस है आर्जिनिन एस्पायरेजीन एस्पार्टिक एसिड सिस्टीन ठीक हो गया ग्लूटामीन ग्लूटामिक एसिड ग्लाइसिन हिस्टिडीन आइसोल्यूसिन। इस तरह ये जो डिफरेंट जो है जैसे ल्यूसीन है ल्यूसीन जो है सीक्वेंस उसके अंदर हमारे पास जो है वो CUUCUC मतलब साइटोसिन यूरासिल टू साइटोसिन यूरासिल साइटोसिन और साइटोसिन यूरासिल एडिनिन एंड द साइटोसिन यूरासिल गवानिन। ये हमारे पास जो है वो बेसिस हैं वो सीक्वेंस्ड हुई होती हैं। और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे एक जेनेटिक कोड है ये। और ये क्या है इसको नाम दिया जाएगा ल्यूसीन।
नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि इसमें न्यू आरएनए स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्रिप्ट होता है, एक क्या कहते हैं फॉर्मेशन होती है आरएनए स्ट्रैंड की। इसमें हमारे पास जो है डीएनए हेलिक्स आ रहा है, यहाँ पे उसकी अनवाइंडिंग होगी। आरएनए पॉलीमरेज नेक्स्ट अटैच होगा जो कि हेल्प आउट करेगा फॉर्मेशन ऑफ द न्यू आरएनए स्ट्रैंड। और जब फॉर्मेशन होगा तो इसका क्या कहते हैं एक बेसिस का सीक्वेंस इसके साथ अटैच होगा और उसकी एक फॉर्मेशन होगी। और ये जो न्यू स्ट्रैंड बना है जब रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पे दोबारा से रीवाइंडिंग हो जाएगी डीएनए की और एक न्यू उसका वो फर्दर जो हेलिक्स एक स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें फर्दर तो यहाँ पे हमारे पास जो सीक्वेंस है ना बेसिस का उसके अकॉर्डिंगली जो है ये न्यू स्ट्रैंड जो है वो क्रिएट होता है, बनता है और वो बाद में रिलीज हो जाता है एक अलग न्यू स्ट्रैंड के साथ जो है एक आइडेंटिटी के साथ। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसलेशन। जो पीछे ट्रांसक्रिप्शन था वो था फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए फ्रॉम द डीएनए, यहाँ पे क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम द आरएनए। इसमें हमारे पास क्या है राइबोसोम है और ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, उसके ऊपर ये जो है बेस सीक्वेंस है। यहाँ पे टू साइड्स हैं हमारे पास, ए साइड एंड पी साइड। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हैं वो आके अटैच इस बेसिस के साथ अटैच होंगे और फिर वो क्या होंगे एक पूरा एक प्रोटीन जो एक वो मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्मेशन आगे से फर्दर बेस सीक्वेंस जो है फॉर्मेशन है वो जनरेट होती जाएगी। यहाँ पे मिथियोनिन जो है वो कोडान था वो आके इसके साथ अटैच होगा, एडीनिन टू यूरासिल, यूरासिल के साथ एडीनिन, गवानिन के साथ साइटोसिन और इस तरह इनकी जो है क्या एक जो है ये इनकी अटैचमेंट हो जाएगी। इस तरह फिर ये क्या है एक चेन सीक्वेंस बनता जाएगा। नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या था कि मिथियोनिन अटैच था हुआ था साथ पे ग्लाइसिन आके अटैच हुआ और मिथियोनिन और ग्लाइसिन में क्या है अमीनो एसिड जो है वो चेन बन गई है और ये क्या है मैसेंजर आरएनए और उसका बेस सीक्वेंस। थर्ड स्टेप में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या था मिथियोनिन जो है उसके साथ ग्लाइसिन अटैच हुआ था, ठीक हो गया। फर्स्ट स्टेप में मिथियोनिन अटैच था, ग्लाइसिन आके अटैच हो रहा था। सेकंड स्टेप में दोनों अटैच हुए थे और उसमें क्या चेन बनी थी, उसके बाद मिथियोनिन रिलीज होना हो रहा होगा और जो ग्लाइसिन है वो अटैच रहेगा, उसके साथ जो साइटोसिन है वो आके अटैच होगा और उसमें आपस में फिर इसके अंदर चेन बनेगी, उस तरह एक चेन सीक्वेंस बनता जाएगा जो कि फर्दर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प आउट करेगा। फोर्थ स्टेप में क्या हुआ है कि जो मिथियोनिन और ग्लाइसिन है ये रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, और आगे से जो साइटोसिन है उसके साथ इनकी चेन अमीनो एसिड चेन सीक्वेंस बना है और ये अभी इसके साथ अटैच है। इस तरह ये मॉलिक्यूल्स आते जाएंगे और बेसिस के साथ अटैच होते होते यहाँ पे अमीनो एसिड जो है वो चेन बनाते जाएंगे। नेक्स्ट जो है फिफ्थ स्टेप, उसके अंदर जो है मिथियोनिन ग्लाइसिन सिस्टीन और आगे आके न्यू जो है वो कोडॉन जो है वो जो लगा है वो है लाइसिन, वो उसके साथ अटैच होगा मैसेंजर आरएनए की जो है बेस सीक्वेंस के साथ और यहाँ पे अमीनो एसिड जो है वो चेन न्यू बन जाएगी। और ये क्या है, ये हमारे पास है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, जो कि राइबोसोम्स की जो है वो जनरेट करता है बनाता है। सॉरी, ये ट्रांसफर आरएनए ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। राइबोसोम और आरएनए जो था वो क्या था कि वो राइबोसोम जनरेट करता है और जो ट्रांसफर आरएनए है वो क्या करता है जो अमीनो एसिड्स हैं उनको कैरी करता है साइटोप्लाज्म से, वो फर्दर उनको ट्रांसफर करता है और वो क्या करते हैं फिर आगे से प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं। इसी तरह ये जो यहाँ पे इसलिए प्रेजेंट है ट्रांसफर आरएनए कि ये जो है वो जो आएगा एक कैरी करेगा जो अमीनो एसिड्स हैं उनको अटैच करेगा, बेसिस अटैच होंगी और फिर आगे से जो अमीनो एसिड चेन है बनती जाएगी और मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज होते जाएंगे। चेंजेस इन डीएनए एंड क्रोमोसोम। अगर हम जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ सेल कैन चेंज एंड दीज चेंजेस इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी एंड हेल्प इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। These changes include alteration in the base sequence of DNA and change that alter the structure or number of chromosomes. के जेनेटिक मटीरियल है वो आप जो सेल है वो चेंज जो होता है, ठीक है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्रिएट होती है फिर आगे से जो सर्वाइवल में हेल्प आउट करता है कोई भी चेंजिंग इन्वायरमेंट है। अगर वो अल्ट्रेशन आएंगी डीएनए में तो वो क्या करती हैं आल्सो चेंज करती हैं क्रोमोसोम को भी। नेक्स्ट एक कोई चीज़ क्रिएट हो सकती है वो है पॉइंट म्यूटेशन। What is point mutation? Point mutation are changes in nucleotide sequences and may result from replacement, addition or deletion of nucleotides.
म्यूटेशन आर ऑलवेज रैंडम इवेंट्स, दे मे अकर स्पॉन्टेनियसली एज अ रिजल्ट ऑफ बेस पेनिंग एरर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन. ऑल्दो सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैनी केमिकल म्यूटाजिन्स मे चेंज म्यूटेशन रेट. म्यूटेशन एक ऐसा एक चेंज है जो कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में अपीयर होता है. उसका क्या करते हैं हम उसको, या उसकी रिप्लेसमेंट कर देते हैं, या कोई एडिशन होती है, या फिर उसकी डिलीशन होती है. और जो म्यूटेशन है वो रैंडम इवेंट्स की वजह से होती है, मतलब एक रैंडम इवेंट्स हैं, ठीक है. और इसमें एरर कोई आ गया, ठीक है, रेप्लिकेशन में या ट्रांसक्रिप्शन में या ट्रांसलेशन में, तो बेसिकली ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसको जो है वो चेंज करते हैं, या ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे पॉइंट म्यूटेशन को. इन्वायरमेंटल फैक्टर में मेनली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी या फिर केमिकल म्यूटाजेंस हो गए जो कि इसको क्रिएट करते हैं. वेरिएशन इन क्रोमोसोम्स नंबर एंड स्ट्रक्चर. चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर में इन्वॉल्व इंटायर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एज पॉलीप्लॉयडी विच वॉज डिस्कस्ड अर्लियर एंड एनीप्लॉयडी ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व द एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम नॉट इंटायर सेट्स. पॉलीप्लॉयडी क्या है, उसमें सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है. जो यूप्लॉयडी है उसके अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम का जो नंबर है, सेट्स नहीं सिर्फ जो नंबर है उसके अंदर एडिशन या डिलीशन होगी. और क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर डिफरेंट सीक्वेंस होते हैं जीन्स के, मल्टीपल कॉपीज ऑफ GNA होती हैं और इसमें मिसिंग जीन्स भी हो सकते हैं. जब ये सब आती है ना वेरिएशन, पॉलीप्लॉयडी या यूप्लॉयडी जब इवेंट्स होते हैं, उसके बाद यहाँ क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर सीक्वेंस चेंज हो जाता है, या उसकी कॉपीज जो है वो मल्टीपल बन जाती हैं, या फिर उसके अंदर जीन्स मिस हो जाते हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर जो है इवेंट्स जो है फर्दर प्रोसेस में रहते हैं. दैट्स ऑल अबाउट DNA द जेनेटिक मटीरियल. उसके अंदर हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए. That's all about this. Thank you for watching. I hope you all will like this video. Then press on the like button. Also subscribe my channel and click on the bell icon for the further new video notifications. And also share this video. Thank you. Jazakallah.